हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक समल और मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी M33 5G। दोस्तों इसमें लगा है, देखिए पैटर्न लॉक, इसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। तो कैसे इस पैटर्न लॉक को रिमूव करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले, रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए और जितने भी डाटा है फ़ोन में ना वो सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जितना भी फ़ोन में डाटा है वो आपका सब कुछ वो डिलीट हो जाएगा और आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए। तो आपको चाहिए एक डाटा केबल, इसके साथ जो डाटा केबल जो आपका आया होगा वो नहीं होगा, आपका ये डाटा केबल आपका नहीं होगा। आपको चाहिए USB 2 Type-C, ऐसे वाला USB 2 Type-C। तो चलते हैं आपको चाहिए एक लैपटॉप या फिर PC, चलते हैं सिस्टम के पास, मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए सिस्टम में आपको डाटा केबल को लगा लेना है, सिस्टम में आपको डाटा केबल को लगा लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट कर लीजिए डाटा केबल को। डाटा केबल लगाना होगा आपका, देखिए फ़ोन आपका आ गया चार्जिंग पर, डोंट शो अगेन। चार्जर लगाने से नहीं होगा, आपको यूज करना है डाटा केबल, ठीक है, जो सॉरी PC आपको यूज करना है या फिर लैपटॉप यूज करना है, आपको चार्जर लगाने से ये काम नहीं करेगा। अभी आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, पैटर्न पूछ रहे हैं, अब क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर ऑन की को, ठीक है, वॉल्यूम प्लस माइनस पावर ऑन की को ऐसे प्रेस करके रखना है आपको। फोन ऑफ हो गया, अभी तीनों की को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका फोन अभी चार्जिंग हो रहा है। देखिए हो गया, अभी आप तीनों की को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका फोन अभी हो गया चार्जिंग। अभी क्या करना है आपको, यहां पर देखिए वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके पावर ऑन की को प्रेस करना है। अभी पावर ऑन की को छोड़ दीजिए, वॉल्यूम प्लस को ऐसे ही पकड़ के रखना है, डाटा केबल आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए आ गया आपका रिकवरी मोड, ऐसे आ जाएगा आपका एंड्रॉइड रिकवरी मोड, आपको ऐसे आ जाएगा एंड्रॉइड रिकवरी मोड। तो आपको वॉल्यूम माइनस को यूज करके नीचे आना है, लिखा होगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पर वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो इसको आने के बाद आपको पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है, फिर से आना है, यहाँ पर लिखा होगा फैक्ट्री डाटा रीसेट, वॉल्यूम माइनस से आना है नीचे, वॉल्यूम माइनस नीचे आना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट, फिर से यहाँ पर पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लीजिए। नीचे देखिए अभी यहाँ पर चल रहा है फॉर्मेटिंग डाटा, कंप्लीट हो गए। आपको यहाँ पर पूछेगा रिबूट सिस्टम नाउ, फिर से आपको क्या करना है, पावर ऑन की को एक बार प्रेस कर लेना है। देखिए अभी आपका फोन जो है यहाँ पर अभी ऑफ होके फिर से ऑन होगा, अभी फोन आपका हो चुका है हार्ड रिसेट। आपको दोस्तों आपका मेल आईडी और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और जितने डाटा है फोन में सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम वेट करेंगे पूरा फोन ऑन होने तक, ऐसे डाटा केबल ऐसे आपका ऐसे रहेगा, अभी हम वेट करते हैं पूरा फोन ऑन होने तक। दोस्तों आपको ऐसे आ जाएगा यहाँ पर फॉर फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर डोंट शो अगेन करके यहाँ पर ओके कर लीजिए। अभी आपको डाटा केबल को निकाल लेना है क्योंकि आपका काम अभी यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। डाटा केबल निकालने के बाद यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं स्टार्ट, और यहाँ पर ऑल एग्रीमेंट, एग्री टू ऑल, एग्री, यहाँ पर मोर, एग्री। देखिए इस पॉइंट पर आपको स्कीप का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको अपना मेल आईडी पासवर्ड देके ये सेटअप को करना है, क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं किया हूँ इसलिए मुझे स्कीप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं आएगा। आप यहाँ पर अपना मेल आईडी पासवर्ड देके ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको स्कीप कर लिया, लेकिन आपका यहाँ पर स्कीप का ऑप्शन नहीं आएगा। डोंट कॉपी, नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट, स्कीप एनीवे। M33 5G मॉडल है ये, नेक्स्ट, स्किप, फिनिश। अभी सक्सेसफुली आपका जो पैटर्न लगता है ये अभी यहाँ पर हट चुका है।
ओके एग्री। ओके दोस्तों थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। देखिए अभी यहाँ पर आपका लॉग जो था ये अभी यहाँ पर खुल चुका है। ओके दोस्तों थैंक यू।